दूसरा सेमीफाइनल स्टार्ट होता हुआ दोस्तों। एक तरफ है फतेहपुर दिल्ली और दूसरी तरफ है भाई कुछ टीम है, टीम कौन सी? शिव मंदिर चिठेड़ा। दोनों टीमों के कैप्टन हाथ मिलाते हुए सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला। भाई एक बार नाम और बता देना दोनों ना। टॉस जीता है शिव मंदिर। नाम क्या है कैप्टन का? तुम्हारा नाम क्या है? शुभम भाई कैप्टन है इधर। और भाई तुम्हारा नाम? आकाश कैप्टन है फतेहपुर के। मैच स्टार्ट होता हुआ रेफरशिप के लिए तैयार हैं नेत्रपाल एनआईएस कोच हैं, जो कि इस सेकंड सेमीफाइनल मैच के लिए तैयार हैं रेफरशिप के लिए। बेहतरीन मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है। फतेहपुर दिल्ली की तरफ से पहली रेड रहेगी। बिल्कुल भाई, सभी को निर्देश देते हुए नेत्रपाल एनआईएस कोच, और जो कि यहां रेफरशिप कर रहे हैं ऑफिशियल है एनआईएस, और आर्मी से है नेत्रपाल। आर्मी कोच है ये, आर्मी कोच एनआईएस कोच है। गेम स्टार्ट, पहली रेड प्रशांत की तरफ से। बेहतरीन खिलाड़ी प्रशांत, और अपने दम पर अभी तक टीम को सेमीफाइनल तक लेकर आए हैं। 7 नंबर खिलाड़ी बेहतरीन, और क्या मिलेगा पॉइंट? और बिल्कुल पॉइंट मिला है। फर्स्ट रेड में लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया है। एक पॉइंट फतेहपुर। युवा खिलाड़ी शिव मंदिर चिठेड़ा की तरफ से। बिल्कुल शांति, ये वही शांति है जो तूफान से पहले आती है, और तूफान आने वाला है। सेकंड सेमीफाइनल स्टार्ट हो चला है, और बिल्कुल आया है तूफान। क्या टच पॉइंट स्वीकार किया जाएगा? नहीं किया गया है। प्रस्यूट किया था 6 नंबर खिलाड़ी ने बेहतरीन, लेकिन पॉइंट नहीं मिला। ये सेल्फ आउट हुए हैं 6 नंबर खिलाड़ी। 2-1 स्कोर फेवर इन शिव मंदिर चिठेड़ा। युवा खिलाड़ी बेहतरीन, लंबे कद का खिलाड़ी। बिल्कुल टच पॉइंट मिला है और स्वीकार किया है। शांति छाई हुई है बिल्कुल कोर्ट में। सुषमा चौधरी जी इंतजार कर रही है कि कब टूर्नामेंट खत्म हो और कब उनको रागनी का मौका मिले। प्रशांत एक बार फिर लंबा प्रयास है बोनस का, क्या मिलेगा? और बोनस मिला है। स्कोर 2-2 बराबर। ना चिठेड़ा कम है शिव मंदिर, और ना कम है फतेहपुर। कौन करेगा फाइनल का सफर तय? और फाइनल मिलेगा लखावटी से देखने को। बेहतरीन मुकाबला हुआ था, जबरदस्त मुकाबला। आशीष भाई सरदार जी से आके मिलने एक बार, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अभी भी स्कोर बराबर। प्रशांत एक बार फिर शॉट का डिफेंस, बोनस ऑन। एक गाड़ी की चाबी है भैया, जो भी नीचे पड़ी मिली है। युवा खिलाड़ी बेहतरीन, लंबा कद, जबरदस्त रेडर। पांच का डिफेंस, बिल्कुल छलांग लगाई है, और एक पॉइंट और। प्रशांत एक बार फिर एक्शन में। नहीं, पॉइंट मिला है रेडर को।
बिल्कुल शांति छाई हुई। सेकंड सेमीफाइनल चिठेड़ा दादरी में चलता हुआ, क्या बेहतरीन पकड़ करना चाहते थे लेकिन चैन को तोड़ा और एक पॉइंट और। छह नंबर खिलाड़ी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हर रिश्तेदार को हमसे मिलवा दो भैया। फौजी वार्निंग मिली है, एक आदमी बोलेगा भाई अपनी टीम को, कोच करेगा। बेहतरीन खिलाड़ी है अभी, लंबा किक लगाया है कॉर्नर को और बिल्कुल प्रयास स्वीकार किया जाएगा और स्वीकार किया गया है। प्रशांत एक बार फिर क्या लड़खड़ाती दिख रही है यहां पर, फतेहपुर दिल्ली जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल लग रहा है थकान साहब, लेकिन हार मानने वाली नहीं है। एक पॉइंट और आपकी ससुराल की मुंह की मुकार रहा फौजी आदमी है तो चार का डिफेंस ये खिलाड़ी है भाई, चोटिल हुआ था क्वार्टर फाइनल में और अब सेमीफाइनल में अपना दमखम दिखाता हुआ। बेहतरीन काम किया है इस खिलाड़ी ने अभी तक डिफेंस में, अब प्रशांत रेडिंग में काम करते हुए। कौन खेलेगा फाइनल लखावटी के साथ ये देखने लायक। सेकंड सेमीफाइनल चलता हुआ चिठेड़ा दादरी कबड्डी टूर्नामेंट का, फर्स्ट टूर्नामेंट है ये। पांच का डिफेंस बेहतरीन टीम दोनों ही, मुकाबले का निर्णय कुछ भी निकले। प्रशांत एक बार फिर एक्शन में, शांति छाई हुई है बिल्कुल। बेहतरीन पकड़, जबरदस्त गेम। इस खिलाड़ी को शांत करने का मतलब है अपने स्कोर में बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी कब तक होती रहेगी ये देखना होगा। कब सब्स्टिट्यूट मिलेगा इस खिलाड़ी को, क्या ऑल आउट के बाद मिलेगा, अभी तक यही देखने को मिला है इस खिलाड़ी के साथ। बहुत कम टीम ऑल आउट मिलती है फतेहपुर की देखने को, लेकिन जब ये खिलाड़ी आउट होता है तो बहुत ज्यादा ऑल आउट मिलता है देखने को। छह नंबर खिलाड़ी एक बार फिर छह का डिफेंस, बोनस ऑन क्या मिलेगा, बोनस उनका नंबर हम दे रहे हैं, मेरी बात करने में तो सुनवा को निकल गई। थर्ड रेड डू और डाई है, चार का डिफेंस है, क्या पॉइंट मिलेगा, भेद पाना मुश्किल। दो की चेन लेफ्ट में, दो की चेन राइट में, बेहतरीन बचाओ एक नंबर का, क्या ये डैश मिलेगा, और बिल्कुल डैश मिला है, बेहतरीन डैश। एक पॉइंट और, पांच नंबर खिलाड़ी पांच का डिफेंस में, क्या कामयाब होगा एम्प्टी रेड के साथ। अब बिल्कुल टाइम काटते हुए और 25 एम्प्टी रेड करेंगे, 26 इधर भी पांच का डिफेंस। बहुत देखे आठ नंबर रोहित, इतने संघर्षपूर्ण मैच इस टूर्नामेंट में हुए हैं शुरू से लेके आखिर तक, ऐसे बल्लाई मैच मिलते हैं देखने के लिए। पांच का डिफेंस इधर भी, मंच पे कौन कामयाब होगा पांच के डिफेंस में। किसी खिलाड़ी का भी है अपना बैग ले जाए, दो घंटे से बैग रखा है। छह नंबर खिलाड़ी सेकंड,
ये इस कमेटी का नसीब है कि आज बारिश फाटक पार रोजे में भी होगी और ऑफिशियल टाइम आउट किया गया। कुछ दिक्कत थी, अब वो दिक्कत ठीक हो चुकी है। एक बार फिर रेड स्टार्ट। कप्तान साहब, बारिश की बात है, थोड़ी रेडी से पूरी करो। थर्ड रेड आनी है, डू और डाई रेड। लेकिन नसीब कमेटी का है कि आज यहाँ पर टूर्नामेंट में देखकर राजा इंद्र भी वापस चले। पांच का डिफेंस दोनों तरफ से, कौन होगा कामयाब? क्योंकि अगर यहाँ कामयाबी मिलती है, बहुत लंबा प्रयास था पकड़ने का, जंप लगाई थी। थर्ड रेड, क्या यहाँ भी कामयाबी मिलेगी? जब तो हम कह रहे हैं कि थर्ड रेड को रिश्ता तो हम तकते रहे हैं। आप लोग जबी से नसीब वाले से मिले, डिफेंस में कम सुकर मिलो, पॉइंट लेना होगा। या एक दो या तीन बोनस प्लस टू, थ्री पॉइंट ले हैं। शिव मंदिर चिठेड़ा वर्सेस फतेहपुर दिल्ली के बीच चलता हुआ मुकाबला। सुपर रेड हुई थी ये, दोनों तरफ से डू और डाई में कामयाब होता हुआ रेडर। जबरदस्त प्रयास और दोनों थाई पर गए और होल्ड किया बिल्कुल बेहतरीन। कंट्रोल करेगा भैया, टीम को एक कंट्रोल करे। सुपर टैकल ऑन, तीन खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल ऑन है और बिल्कुल स्वीकार किया है भाई। नौ नंबर खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी है ये भी, युवा खिलाड़ी। चिठेड़ा टीम द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है टीम। शिव मंदिर चिठेड़ा वर्सेस फतेहपुर दिल्ली के बीच चलता हुआ मुकाबला, सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला। कौन मारेगा बाजी, कौन खेलेगा फाइनल लखावटी के साथ? सुपर टैकल ऑन, दो खिलाड़ी कोर्ट में। फतेहपुर दिल्ली वापसी करती हुई, क्या टैकल देखने को मिलेगा? देखा प्रयास, ये बेहतरीन टैकल है, बिल्कुल सेंटर लाइन से खींच कर लाए थे, हाथ बिल्कुल गया था सेंटर लाइन पर लेकिन पार नहीं हुआ। प्रशांत की बहुत देर बाद वापसी हुई है और वापसी क्या करेंगे कमाल। बेहतरीन मुकाबला, प्रशांत आए हैं बहुत समय के बाद कोर्ट में। सुपर टैकल ऑन, एक बार फिर सुपर टैकल ऑन, क्या बेहतरीन सुपर टैकल मिला था देखने को। दो खिलाड़ी थे और सेंटर लाइन से खींच कर ले गए रेडर को। रोहित आठ नंबर के साथ बेहतरीन सुपर रेड की थी, बोनस प्लस टू के साथ टाइम आउट लिया है। थर्ड रेड है, डू और डाई रेड है। 11 शिव मंदिर स्कोर है और 9 स्कोर है फतेहपुर दिल्ली। क्या पॉइंट मिलेगा रेफरी साहब का निर्णय क्या होगा? और पॉइंट अब स्कोर हो गया है 10-11। भाई बहुत समय के बाद ये खिलाड़ी देखने को मिला है हमें। सभासद के प्रत्याशी है ठाकुरान मोहल्ले से, वो कृपया करके मंच की तरफ आ जाए। संदीप भाटी, एक क्या पकड़ मिली है, बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल रेडर को आउट दिया गया है, जीभ निकाली थी और अब स्कोर स्कोर हो गया है बराबर 11-11। बेहतरीन मुकाबला हो चला है भाई, कौन मारेगा बाजी?
जब से प्रशांत अंदर आए हैं, प्रशांत ने आते ही वापसी कराई है टीम की और स्कोर हो गया है 11-11 बराबर। बेहतरीन मुकाबला हो चला है। सेकंड सेमीफाइनल जैसा होना चाहिए था बिल्कुल ऐसा ही मिला है देखने को, और मध्यांतर हो चला है। बिजू भाटी माला पहना के संदीप भाटी का स्वागत करेंगे। बेहतरीन मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल का, सभी दर्शक बिल्कुल शांत मुद्रा में और मुकाबला बहुत बेहतरीन है, स्कोर भी बराबर। स्कोर 11-11 बराबर। सभी दर्शक एंजॉय करते हुए चिठेड़ा कबड्डी दादरी टूर्नामेंट का। एक चेंज किया है, स्कोर 11-11 बराबर है। गेम एक बार फिर स्टार्ट। 10 नंबर खिलाड़ी, स्कोर बिल्कुल बराबर। बेहतरीन मुकाबला, 5 का डिफेंस, बोनस नहीं मिलेगा। पॉइंट लेना होगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पांच नंबर खिलाड़ी इधर से भी बेहतरीन खिलाड़ी है। चार का डिफेंस, 2 की चेन राइट में, 2 की चेन लेफ्ट में, क्या कामयाबी मिलेगी रेडर को। दोनों तरफ से डू और डाई रेड पर खेलती हुई टीमें, क्योंकि मुकाबला बेहतरीन और कड़ा है। स्कोर भी अभी बिल्कुल लेवल पे पड़ा है। दस नंबर खिलाड़ी एक बार फिर डू और डाई पर खेलती हुई दोनों ही टीमें। चार का डिफेंस, टाइम काटते हुए किस तरफ जा रहा है मुकाबला कोई कुछ नहीं कह सकता। कौन खेलेगा फाइनल और डू और डाई। 5 का डिफेंस, क्या भेद पाएंगे इस डिफेंस को। बेहतरीन बैक किक लगाई है, लेकिन उससे भी बेहतरीन टैकल। जिस तरह की किक लगाई थी ऐसा ही टैकल देखने को मिला। पूरी शरीर पर कब्जा किया, सुपर टैकल ऑन है, डू और डाई में क्या बेहतरीन प्रयास। 2 पॉइंट, प्रशांत ने बिल्कुल खींचा था, बाहर ले जाना चाहते थे। स्कोर 13-11 फेवर इन शिव मंदिर चिठेड़ा। इस मैच के बाद 5 मिनट का रेस्ट रहेगा। जो टीम अब स्कोर 14-12 है भाई, और एक पॉइंट पहले पकड़ में मिला था। छलांग बहुत बेहतरीन है, लेकिन डिफेंस उससे भी बेहतरीन। एक पॉइंट और, 15-12 धीरे धीरे लीड में बढ़ता हुआ शिव मंदिर चिठेड़ा। एक समय मध्यांतर के समय स्कोर 11-11 बराबर था, अब 15-12। सुपर टैकल ऑन है। बात की जाए इस खिलाड़ी की भी तो बेहतरीन प्रदर्शन किया है अभी तक इस खिलाड़ी ने। नया खिलाड़ी 1 नंबर के साथ, आप इसको डिफेंस में देखते हैं बेहतरीन काम करते हुए, यहां रेड मैप। अभी तक शिव मंदिर चिठेड़ा की तरफ से देखा जाए तो ज्यादातर रेड शुभम ने की है, पीले निक्कर में बेहतरीन काम करता हुआ, सुपर टैकल ऑन है, क्या यहां कामयाबी मिलेगी। थाई पर गए हैं और बिल्कुल 2 पॉइंट। मैंने आपको बताया था शुभम बेहतरीन काम कर रहा है,
एक्सचेंज किया है, सब इंस्टीट्यूट किया है। लास्ट खिलाड़ी बचा हुआ है, क्या ऑल आउट मिलेगा या सब रिवाइवल मिलेगा? बोनस का प्रयास है, शायद बोनस देंगे। बैक किक लगाने का प्रयास, किसी समय बैक किक के बादशाह जसवीर हुआ करते थे। बिल्कुल यहां मिला है पॉइंट, बोनस प्लस वन, एक पॉइंट और बोनस। शुभम एक बार फिर एक्शन में, स्कोर फिर लगभग बराबरी पर आता हुआ। क्या रेस था लेकिन नहीं, शिव मंदिर चिठड़क, लंबा प्रयास, बिल्कुल वार्निंग मिली है, फर्स्ट वार्निंग। एक और बेहतरीन बोनस मिला है फतेहपुर दिल्ली को, और तीन पॉइंट मिले हैं ऑल आउट के। शिव मंदिर चिठड़ा की तरफ लगभग 5.5 मिनट का समय से इस मुकाबले में, और मुकाबले का निर्णय आता हुआ। फिर शांत लगे हुए थे, मंच पे आगे 50 संदीप भाटी का स्वागत माला पहनाकर धर्मेंद्र पहलवान स्वागत करेंगे। संदीप भाटी फिर शांत एक बार फिर परिषद सभासद पद के उम्मीदवार, बोनस का प्रयास है और बोनस मिला है। फतेहपुर बहुत बहुत धन्यवाद, और संदीप भाटी 551 रुपए का सहयोग कमेटी को कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद। शुभम बेहतरीन खिलाड़ी एक तरफ से, ये बेहतरीन टैकल है, बिल्कुल निकल कर आए थे अंदर से, बहुत अच्छी और दोनों थाई पर गए, बेहतरीन टैकल किया प्रशांत 7 नंबर के साथ। दोनों तरफ से यही काम अभी फतेहपुर ने किया था और वही काम किया है शिव मंदिर चिठड़ा ने, बेहतरीन टीम है दोनों ही। शुभम अभी आउट होकर गए थे, फिर रिवाइवल मिला और अंदर। प्रशांत बाहर है, जब तक प्रशांत बाहर है ये देखना होगा क्या हाथ पार हुआ है। 3 पॉइंट, सुपर रेड हुई है। बिल्कुल एक और एक और पकड़, फिर शांत उस हिसाब का गेम नहीं दिखा पाए हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक, जिस हिसाब से पहले गेम दिखाई थी थकान साफ झलक रही है। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है जहां टेस्ट करने का प्रयास था, एक और पॉइंट शिव मंदिर चिठड़ा की तरफ। बिल्कुल पॉइंट मिला है, एक और पॉइंट, शुभम एक बार फिर एक्शन में, सुपर टैकल है, दो खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल है। प्रशांत मेन रेडर हैं, क्या कर पाएंगे? और अब बिल्कुल जिस तरह का गेम है,
जिस तरह से गिरे हैं बिल्कुल सुपर टैकल किया है, हल्की इंजरी हुई है। सेकंड सेमीफाइनल चलता हुआ, फाइनल खेलने के लिए तैयार है लखनऊ टीम भी। सभी बेहतरीन चेहरे खुश हैं बिल्कुल भाई। फाइनल खेलने के लिए टीम तैयार बिल्कुल भाई। लखावटी के खिलाड़ी मुकुल और अर्जुन फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं और गेम एक बार फिर स्टार्ट। पहली टी शर्ट पे प्रशांत रहे जो बराबर सुबह से वीडियो बना रहे हैं, प्रशांत एक बार फिर चैनल है भाई का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। सात नंबर के साथ बेहतरीन खिलाड़ी मेहनत करी बेहतरीन एक और पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब करें तो लाइक करें। इक्कीस 27 स्कोर है फेवर इन शिव मंदिर चिठेड़ा की तरफ। सेमीफाइनल बेहतरीन चलता हुआ, 27 अभी शिव मंदिर चिठेड़ा है और 21 स्कोर है फतेहपुर दिल्ली का। दर्शक सभी बिल्कुल ये कमेटी में भाई मेंबर सभी उत्साहित भाई। सेमीफाइनल मुकाबला फाइनल के लिए रुके हुए हैं सभी और टाइम है मैं बता दूं भाई 12 बज चुके हैं पूरे, सभी फाइनल के लिए रुके हुए हैं। सेकंड सेमीफाइनल कमेटी बैठी हुई है भाई, बेहतरीन कमेटी बेहतरीन टूर्नामेंट चिठेड़ा दादरी में चलता हुआ। और भाई जो जाट गुजरों की शान होती है और पहचान होती है वो हुक्का होती है भाई, ये भी अपना काम करता हुआ यहाँ पर ग्रहण कर ले मंच पे। सुबह से बहुत सहयोग कर रहे हैं कमेटी का हमारे और गेम स्टार्ट हो चला है। एक बार फिर टाइम आउट लिया था 8 नंबर खिलाड़ी और रोहित बेहतरीन खिलाड़ी है। प्रशांत एक बार फिर क्या सुपर रेड मिलेगी देखने को और स्कोर बराबरी की तरफ आता हुआ और रेफरी साहब का निर्णय 2 पॉइंट और स्कोर बिल्कुल बराबरी की तरफ आ रहा है भाई। मुझे लग रहा है सेमीफाइनल सेकंड भी बेहतरीन हो चला है। अब जो प्रशांत ने ये 2 पॉइंट की रेड की है इससे स्कोर बराबरी पर बिल्कुल बोनस खुला रखा है लेकिन मार नहीं रहे हैं और सेल्फ आउट हुए हैं और आत्महत्या कर दी है बिल्कुल लास्ट 5 मिनट से। स्कोर 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 शुभम चोटिल हुए हैं भाई अंतिम 3 पॉइंट दिए हैं ऑल आउट के पॉइंट मिले हैं। क्या बात है बेहतरीन मुकाबला भाई, स्कोर बिल्कुल बराबर है और मैं दिखा दूं ये दोनों खिलाड़ी भाई चोटिल हैं लेकिन सेमीफाइनल में खेलते हुए दोनों खिलाड़ी बहुत ज्यादा चोट लगी है फटे हुए हैं इनके साथ लेकिन दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों के लिए फाइनल का सफर कौन तय करेगा। लास्ट 5 मिनट का समय शेष और स्कोर बराबर, इससे बेहतरीन मुकाबला क्या हो सकता है सेमीफाइनल का। जो पहले मुकाबला हुआ था वो भी सेमीफाइनल फर्स्ट सेमीफाइनल बेहतरीन और कड़ा हुआ था, लखावटी वर्सेस भाटी क्लब चिठेड़ा के बीच हुआ था और ये सेमीफाइनल भी चिठेड़ा शिव मंदिर वर्सेस दिल्ली चलता हुआ, ये भी स्कोर बराबर है। बोनस का प्रयास है बोनस मिला है। शुभम बेहतरीन खिलाड़ी है, चोटिल जरूर हुआ है लेकिन घायल से फाइनल के लिए शिकार करता हुआ यहां पर। बेहतरीन प्रयास करता हुआ, क्या मिलेगा पॉइंट 1, 2 या 3। लास्ट 4 मिनट टू गो, 4 मिनट का समय शेष, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट
कभी फतेहपुर दिल्ली लीड में तो कभी शिव मंदिर चिठेड़ा लीड में, अब लीड में चिठेड़ा एक पॉइंट की। क्या यहां स्कोर फिर बराबर हो चला है, 29-29 बराबर स्कोर। बेहतरीन मुकाबला सेमीफाइनल सेकंड सेमीफाइनल चलता हुआ, स्कोर 29-29 बराबर। शुभम एक बार फिर चोटिल जरूर हुए हैं लेकिन काम पूरा करते हुए अभी भी दो पॉइंट लेकर स्कोर को लीड में दिया था। स्कोर अभी भी बराबर। शुभम एक बार फिर ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। बिल्कुल भाई, फाइनल के लिए लड़ता हुआ एक खिलाड़ी शेर, 29-29 स्कोर बराबर है अभी भी। जो दो पॉइंट की रेड की थी इसने, हार नहीं मानने वाला एक खिलाड़ी, क्या फाइनल तक ले जाएगा टीम को शिव मंदिर चिठेड़ा का खिलाड़ी। भाई सभी तालियों से अभिवादन और स्वीकार करते हुए इस खिलाड़ी का, क्योंकि इतना चोटिल होने के बाद भी रेड करता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहतरीन पकड़ है भाई, जबरदस्त रेड की थी। शिवम भाई चोटिल खिलाड़ी है, घायल शेर शिकार करता हुआ, लेकिन यहाँ शिकार किया है फतेहपुर दिल्ली ने इस खिलाड़ी का। क्या ये फाइनल की तरफ बढ़ेगी शिव मंदिर चिठेड़ा। प्रशांत बेहतरीन खिलाड़ी, जबरदस्त रेड है 7 नंबर के साथ, सुबह से परमानेंट इसी तरह का गेम दिखाता हुआ खिलाड़ी। स्कोर मेरे हिसाब से 30-29 है, बेहतरीन और गजब का मुकाबला। और रोहित बेहतरीन खिलाड़ी, जबरदस्त गेम दिखाया, क्या यहां से निकले पाएंगे, लेकिन नहीं, और ये हराशाही होता हुआ रेडर। क्या ये खतरे की घंटी शिव मंदिर चिठेड़ा की है, किसकी है ये गोल? एक मिनट का समय शेष, और स्कोर की बात की जाए तो बिल्कुल लगभग लेवल के साथ। टाइम आउट लिया है, थर्ड रेड है भाई, क्या पकड़ मिलेगी, लेकिन नहीं मिली है पकड़, मिले है दो पॉइंट और बेहतरीन मुकाबला, टाइम आउट। हमारा ये सेकंड सेमीफाइनल चिठेड़ा कबड्डी दादरी का बिल्कुल अंतिम क्षण चलता हुआ, एक रेड और मिलेगी क्या देखने को। शुभ टैकल ऑन है, क्या स्कोर बराबरी की तरफ जाएगा, एक और बेहतरीन पकड़ और स्कोर चलेगा बराबरी की तरफ, कौन मारेगा और यहां फाइनल में बाजी, ये देखना होगा। लेकिन यहां सुपर रेड देखने को मिली है, 5 पॉइंट की रेड और शिव मंदिर चिठेड़ा का सुपर समाप्त। दिल थाम के बैठिए दर्शकों, अब आने वाला है वो इंतजार, वो घड़ी, जिस घड़ी का सभी को सुबह से इंतजार, फाइनल मुकाबला चिठेड़ा दादरी टूर्नामेंट, लखावटी बुलंदशहर वर्सेस फतेहपुर दिल्ली। दर्शकों दिल और सांसें थाम के बैठिए, 5 मिनट के लिए हम करेंगे दोबारा कमबैक। धन्यवाद दोस्तों, फाइनल होगा इसके बाद बेहतरीन मुकाबला।